हाय फ्रेंड्स, वेलकम आई चैनल टेक्निकल सपोर्ट टेन पर आपका स्वागत है। देखिए कैसे पैसा है फॉन्टेक का, जिसका प्रॉब्लम कस्टमर बोले तो डेड। ठीक है, चलिए इसको करंट में लगा के देखता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। चलिए लगाने के बाद आप ट्वीज़र से केबल ग्रीन और ब्लैक शॉर्ट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद देखेंगे, देखिए कोई फैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। और ठीक है, और सीज लाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले इसको हम चारों स्क्रू खोल लेंगे, खोल के वो बाद दिखाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये देखिए खोल हो गया। खोलने के बाद देखिए कितना धूल वगैरह है और चारों स्क्रू खोलना है। ठीक है, इसे साफ करना है। देखिए कैपेसिटर भी ख़राब हुआ शायद, इसका जो प्रॉब्लम शायद हो सकता है। चलिए पहले साफ कर लेता हूँ। देखिए इसको खोल दिया, खोलने के बाद इसको देखिए ये फ्यूज़ ख़राब हो चुका। ठीक है, देखिए ब्लैक हो गया और देखेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, चलिए इसको साफ देखिए दोस्तों, ये पूरा साफ कर लिया और देखिए फ्यूज़ भी काट गया तो आपको पहले ही बताया। ठीक है, उसके बाद देखिए डायोड, देखिए ये डायोड, ये दूसरे तरफ लगाएंगे तो डायोड देखिए दोनों तरफ दिखा रहा है और देखिए ये दोनों तरफ दिखा रहा है तो शॉर्ट नहीं दिखा रहा है, बाजा नहीं बज रहा है, इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कैपेसिटर रिलेटेड, कैपेसिटर हो सकता है। ठीक है, कैपेसिटर में देखेंगे बाद में। उसके बाद देखिए 13,007, देखिए 13,007 शॉर्ट है। देखिए ए वाला 13,007 शॉर्ट है, देखिए ए भी शॉर्ट है, दोनों कैपेसिटर 13,007 शॉर्ट है। इसको दोनों को चेंज करेंगे और देखेंगे इसमें कैपेसिटर कौन सा वाला ख़राब हो सकता है। तो चलिए एक वाला कैपेसिटर हम पहले खोल के देखता हूँ। ठीक है, अभी खोल के देखता हूँ। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है उसका देखिए लीड भी ख़राब हो चुका है। देखिए यहाँ से ये वाला ख़राब हो चुका है, तो इसको हम चेंज कर देंगे और ये 13,007 को हम चेंज करेंगे ताकि नया वाला दोनों लाएंगे। ठीक है, चलिए पहले हम 13,007 को ढूंढ लेता हूँ और कैपेसिटर को भी ढूंढ लेता हूँ, लेने के बाद आपको लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोनों 13,007 हमने ले लिया नया वाला और एक कैपेसिटर लिया है, ये पुराना है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे है। चलिए इसको लगाएंगे और इसको लगाएंगे, पहले इसको खोल लेता हूँ। ठीक है, खोलने के बाद ये दोनों लगा देंगे। ठीक है, और लगाने से पहले देखिए ये जो लीड है इसको क्लीन करना है। ठीक है, चलिए खोल लेता हूँ जल्दी से, इस ए कैपेसिटर भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो कैपेसिटर है इसका भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फिर चलिए एक पहले तो ये दोनों खोल दिया, तो ये वाला कैपेसिटर हम खोलेंगे। ये कैपेसिटर नहीं, ये वाला जो 13,007 है, 13,007 को दोनों को खोलने के बाद खोलता हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए ये 13,007 दोनों को खोल लेता हूँ जैसे। ठीक है, जल्दी जल्दी से खोल लेता हूँ। खोलने के बाद और दोनों जो आपका 13,007 लिया है, 13,007 उसको हम लगाएंगे। ठीक है, इसको जल्दी से खोल लेंगे। एक को तो खोल दिया, दूसरा को भी खोल दिया। देखिए इसका थोड़ा सा चलो डैश डिसोल्डर की वजह से इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, क्लीन करने के बाद यहाँ पे जो नया दोनों 13,007 लिया है उसको लगाएंगे। तो चलिए इसको हमने क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद देखिए फिर से हम चेक करेंगे। ठीक है, क्या प्रॉब्लम, दूसरा कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं। देखिए लगा दिया, देखिए कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है। देखिए ठीक है, और देखता हूँ ए 10 ओम से, ये ठीक है, ए भी 10 ओम से ठीक है। चलिए ये तो ठीक ही है। इसके पास ये कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर का जो लीड होता है इसको भी साफ कर लेता हूँ। ठीक है,
चलिए साफ कर लिया, इसके बाद इसको क्लीन करके अब फिर से लगाता हूँ, ठीक है। चलिए ये दोनों 13,007 को हमने साफ कर लिया, साफ करने के बाद इसको हम लगाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए ये हमें जूम आउट कर लिया, इसमें हम अभी 13,007 को लगाएंगे, ठीक है। पहले वाला लगा दिया, ठीक है, अब दूसरा वाला लगाएंगे। देखिए दोनों को हमने लगा दिया, लगाने के बाद देखिए कैपेसिटर लगाएंगे, माइनस प्लस देख के लगाना है, ठीक है। चलो दोनों को एक साथ लगा देता हूँ, लगाने के बाद इसको सबको सोल्डरिंग कर देंगे, ठीक है। चलो हमने लगा दिया, अभी सोल्डरिंग करेंगे। इतना शोर शराबा हो रहा है साइड से, क्या बताऊँ, सर्विस सेंटर में काम कर रहा हूँ इसलिए इतना शोर शराबा हो रहा है। और देखिए 12 वोल्ट चार्जर हमने बनाया है, जो कोई आप लोग नहीं देखा होगा तो देखिए नीचे वाला वीडियो है, 12 वोल्ट चार्जर ट्रांसफार्मर से, UPS का ट्रांसफार्मर से कैसे 12 वोल्ट बनाता है, हाँ 12 वोल्ट से आप कैसे चार्जर बना सकते हो, वो हमने डाल दिया। तो आप लोग नहीं देखा होगा तो जाइए चैनल में, वहाँ पर होगा, ठीक है। और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा 12 वोल्ट चार्जर का, ठीक है। अच्छे से अच्छा चार्जर है, बहुत ही अच्छा चार्जर हमने बनाया आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ये तो हमने कर दिया, उसके बाद देखिए फिर से हम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए डायोड, देखिए डायोड और नहीं दिखा रहा, देखिए एनोड में दिखा है, देखिए 500 प्लस दिखा रहा है, और ये कैथोड में दिखाएंगे तो नहीं दिखेगा, मतलब ये शॉर्ट था इसलिए दिखा रहा है, ठीक है। ये कैपेसिटर भी देख लेता हूँ, चलिए तो अभी हो गया, तो हमने क्या करेंगे अभी इसका जो फ्यूज़ है, फ्यूज़ को हम लगाएंगे, ठीक है। लगाने के बाद चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। देखिए दोस्तों ये फ्यूज़ हमने लगा दिया और देखिए ये ओके हो गया, सिंपल सा प्रॉब्लम था, ठीक है। देखिए फ़ैन घूमना चालू हो गया। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।